जो ऑनरेबल अपने मिनिस्टर है वो 2 मिनट अपना अपना एड्रेस करेंगे। आज गंगा मैया के पावन तट पर प्रयागराज की इस ऐतिहासिक धरती, आध्यात्मिक राजधानी, जहां पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पधारे हैं, ऐसे रामदेव जी परम पूज्य जिन्होंने विश्व को योग के माध्यम से, और आज कुंभ में पूरा विश्व यहां पर विराजमान है, और ऐसे योग परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपने ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो देश के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए काम करते हैं और भारत के लिए खास तौर पर काम करते हैं, ऐसे परम पूज्य चिदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मिजोरम के गवर्नर साहब राजशेखर जी का मैं दिल से, हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन साध्वी जी, जैसे हम लोगों को हिंदी के शब्दों के चयन करने में थोड़ी सी परेशानी तो जरूर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक एक शब्द हिंदी का इतने अच्छे से जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति की, और स्वामी जी के बारे में बोला। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं आप सबका गंगा जमुना सरस्वती की जो हवाएं आ रही हैं, इन गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, आज देश विश्व गुरु की तरह से योगा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। स्वामी रामदेव जी के प्रेरणा से हम सब लोग इस योग को मनाते हैं। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक शब्द और कहना भूल गया कि स्वामी जी ने देश नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के छक्के छुड़ा करके स्वामी जी ने अपने उत्पाद को इस देश में, उत्पाद को अपने इस देश में घर घर तक पहुंचाया है, इसके लिए भी मैं स्वामी जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।